ऑल इंडिया मोबाइल डीलर एसोसिएशन के दर्जनों व्यापारियों ने किया रक्तदान। बरेली में मोबाइल डीलर एसोसिएशन के 7 वर्ष पूरे होने और समाज के प्रति अपना दायित्व निभाने के लिए एकजुट होकर संगठन के दर्जनों सदस्यों ने रक्तदान शिविर में रक्तदान किया। रक्तदान शिविर का आयोजन IMA ब्लड बैंक के सहयोग से किया गया। रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि महापौर डॉक्टर उमेश गौतम और विशिष्ट अतिथि अतुल कपूर पार्षद एवं पूर्व उपसभापति और विशाल मेहरोत्रा वरिष्ठ व्यापारी नेता विशिष्ट अतिथि रूप में मौजूद रहे। ऐसा पहली बार देखने में आया है कि मोबाइल विक्रेताओं की तरफ से पूरे भारत में एक साथ सार्थक उद्देश्य के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में बटलर प्लाजा के सभी व्यवसायियों का सहयोग रहा। ऑल इंडिया मोबाइल डीलर एसोसिएशन बरेली शाखा के अध्यक्ष संदीप मेहरा, सचिव अनुज अग्रवाल, बटलर प्लाजा मोबाइल एसोसिएशन बरेली के अध्यक्ष नीलेश अग्रवाल, सचिव नाजिम हसन, अनुज जायसवाल, अयुब हाजी उस्मान जी, राजीव अग्रवाल, जमाल फराज, अकील दानिश, गौहर जमाल शमसी, मनीष आदि सदस्यों ने रक्तदान शिविर में भाग लिया। कि बटलर प्लाजा मोबाइल एसोसिएशन पूरे बरेली में मोबाइल के लिए तो जानी जाती है कि किसी भी तरह का मोबाइल चाहिए तो आप बटलर में आ जाइए। आपको हर कंपनी का, बड़े से बड़ी कंपनी से लेके छोटे से छोटे कंपनी और हर वर्ग के ज़रूरत का मोबाइल मिलता है। बटलर प्लाजा एसोसिएशन मोबाइल के लिए जानी जाती है, लेकिन अब मुझे लगता है कि पूरे बरेली में बटलर प्लाजा मोबाइल एसोसिएशन ब्लड डोनेशन के लिए जानी जाएगी, क्योंकि यहाँ का हर व्यक्ति, जितने भी यहाँ शॉपकीपर हैं, जितने बड़े डीलर हैं, उनके काम करने वाले जितने भी लोग हैं, सभी को मोटिवेट कर रहे हैं। मैंने अभी देखा है कि कुछ लोग पहली बार ब्लड दे रहे हैं, तो दुनिया का ये सबसे बड़ा दान है। इसमें बटलर प्लाजा मोबाइल एसोसिएशन जो अपनी योगदान दे रहा है, मैं उनकी प्रशंसा भी करना चाहता हूँ। साथ में ये कहना चाहता हूँ कि इसको एक ईयरली इवेंट बना लें कि हर साल हमने ब्लड देना है, और जितने हमारे यहाँ मोबाइल के ग्राहक आते हैं खरीदने के लिए, उनको अपना एक कार्ड भी देना है कि भगवान न करे कभी ब्लड की ज़रूरत पड़ जाए तो ये एसोसिएशन फ्री में उनको अपना ब्लड जो IMA को दिया जा रहा है उससे उनको दिलाने का काम करेगी। बरेली में डेंगू के 2 शिकार और मलेरिया से 30 और बीमार। कोरोना संक्रमण के बाद अब मलेरिया और डेंगू ने तेजी से पांव पसारना शुरू कर दिया है। बीते एक माह से जहां जिले में मलेरिया से ग्रसित मरीज ही मिल रहे थे, वहीं लखनऊ से आई सैंपलों की जांच की रिपोर्ट के बाद 2 संदिग्ध केस डेंगू की पुष्टि हुई है। मरीजों का इलाज सूद धर्मकांटा के पास एक अस्पताल में चल रहा है। जिले भर में 1348 मलेरिया की जांचें हुई है, जिसमें जानलेवा फैल्सीपेरम के 3 और 27 मरीजों में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की पुष्टि हुई है। इनमें हुई डेंगू की पुष्टि 5 दिन पहले मजगवा ब्लॉक के बेहटा जुनू गांव निवासी 30 वर्षीय सुरेंद्र को बुखार और दर्द की समस्या हुई। स्वजन ने उन्हें प्रेमनगर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। यहां डेंगू के लक्षण होने पर अस्पताल प्रबंधन ने जांच को सैंपल लेकर इलाज शुरू कर दिया। इसी अस्पताल में बिथरी चैनपुर के गांव कलारी निवासी 36 वर्षीय मीना का भी इलाज चल रहा था। दोनों के सैंपल 5 दिन पहले जांच को लखनऊ भेजे गए थे। शुक्रवार को आई रिपोर्ट में दोनों ही मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। भेजे गए सैंपल थे 5। जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर DR सिंह के अनुसार बीते 5 सितंबर को संदिग्ध डेंगू के 5 सैंपल जांच को भेजे गए थे, जिनमें 4 मरीजों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहीं 1 मरीज जिला अस्पताल में भर्ती है। 3 साल में ये रही डेंगू की स्थिति। स्वास्थ्य महकमे से मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 2018 में डेंगू के 27 केस थे, वहीं वर्ष 2019 में आंकड़ा कई गुना तेजी से बढ़ गया। इस साल जिले में डेंगू के 264 मरीज सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हुए हैं। वहीं वर्ष 2020 में कोरोना संक्रमण का प्रकोप तेजी से बढ़ा। शायद यही वजह है कि जिले में डेंगू के महज 8 केस ही मिले थे। लगातार बढ़ रहा मलेरिया का आंकड़ा। जिले में मलेरिया का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 3 दिन के आंकड़े की बात करें तो बुधवार को जहां 27 केस मलेरिया के मिले थे, वहीं गुरुवार को 27 मलेरिया के मरीज सामने आए हैं। शुक्रवार को मलेरिया के 30 नए केस मिलने से स्वास्थ्य अधिकारियों के माथे पर भी चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। दरगाह आला हजरत ने किया ऐलान। घर से भगाकर आए प्रेमियों का दरगाह में नहीं होगा निकाह। घर से भागकर निकाह करने वाले प्रेमियों के खिलाफ सुन्नी बरेलवी मसलक की सबसे बड़ी आला हजरत दरगाह से पैगाम जारी हुआ है। ऐसे प्रेमी युगल का निकाह अब दरगाह से जुड़ी किसी भी मदरसे या फिर मस्जिद में नहीं पढ़ाया जाएगा। इस बाबत दरगाह प्रमुख मौलाना सुभान रजा खान के नाम से एक पोस्ट इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरगाह आला हजरत में बरेली समेत आसपास के जिलों से तमाम प्रेमी युगल हाजिरी देने के लिए आते हैं। इसके साथ ही वह दरगाह से जुड़े लोगों को निकाह पढ़ाने की मांग भी करते हैं। लगातार बढ़ रही शिकायतों के कारण दरगाह प्रमुख ने घर छोड़कर आने वाले प्रेमी युगल का निकाह पढ़ाने में पाबंदी लगाई है। दरगाह आला हजरत के सज्जादानशीन मुफ्ती असहन रजा खान कादरी की अगुवाई में
चलने वाले तहरीके तहफ़ सुन्नियत संगठन के कार्यकारिणी सदस्य परवेज नूरी ने बताया कि दरगाह प्रमुख की ओर से एक पोस्टर तैयार किया गया है। इसमें लिखा है कि दरगाह आला हजरत के अहाते दारुल उलूम मंजरे इस्लाम रजा मस्जिद अफ्रीकी हॉस्टल इनमें से जुड़े हुए कार्यालय में और यहाँ के स्टाफ के जरिए कोई निकाह नहीं पढ़ाया जाता है। खासकर घर से भाग कर आए लड़का लड़की का निकाह पढ़ाने पर पूरी तरह से पाबंदी है। पोस्टर में यह भी लिखा है कि दरगाह से जुड़े मदरसे मस्जिद या फिर अन्य कार्यालयों में निकाह पढ़ाने का झूठा इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ दरगाह की ओर से कानूनी कार्यवाही भी कराई जाएगी। गणपति बप्पा मोरिया के उद्घोषों से गुंजायमान हुआ शहर, घर घर विराजे गजानन महाराज। आज देश भर में गणेश चतुर्थी को गणेशोत्सव का त्यौहार मनाया जा रहा है। गणेशोत्सव का समापन गणेश प्रतिमा के विसर्जन के साथ अनंत चतुर्दशी को किया जाएगा। शुक्रवार सुबह से ही लोगों ने अपने अपने घरों मंदिरों और मोहल्लों में गणपति की प्रतिमा की स्थापना शुरू कर दी है। इस बार गणेश चतुर्थी पर भद्रा का साया नहीं है। गणेश चतुर्थी के शास्त्रों के अनुसार पाताल निवासिनी भद्रा का योग शुभ माना जाता है। हालांकि इस बार कोविड की वजह से कई राज्यों में सख्त गाइडलाइन भी जारी की गई है। मंत्रों से गूंजा शहर, शुक्रवार सुबह से ही मंदिरों और घरों में गणपति बप्पा मोरिया ओम गण गणपतये नमो ओम श्री सिद्धि विनायक नमो गजानन महाराज पधारो आदि भजनों मंत्रों से पूरा शहर गूंज उठा। इतना ही नहीं बल्कि मंदिरों के बाहर भी लोगों ने लाइन लगाकर दर्शन करने के लिए लगे रहे। शहर में अब अगले 10 दिनों तक इसी तरह का माहौल देखने को मिलेगा। हर दिन गणेश वंदना से शहर गूंज उठेगा। स्कूल में भी बनाई गई फूलों की प्रतिमा, शहर के तमाम स्कूलों में भी गणेश प्रतिमा स्थापित की गई। बच्चों और शिक्षकों ने फूलों की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा अर्चना की। कई स्कूलों ने तो गणेश प्रतिमा पर प्रतियोगिताएं भी आयोजित कराई हैं।